ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली के सभी कॉलेजेस में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। रोहिणी के महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में भी इस बार नए सत्र की शुरुआत हुई, वो भी अनोखे अंदाज में। नए सत्र के पहले दिन आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे सांसद मनोज तिवारी और बॉलीवुड एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार। विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत नए सत्र में आए कुल 1700 छात्र 1700 पौधे लगाएंगे और उनके रखरखाव की भी जिम्मेदारी लेंगे। मुख्य अतिथि मनोज तिवारी ने भी पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की और लोगों से ज्यादा वृक्ष लगाने की अपील की। हमारा टारगेट 10 लाख पौधे पेड़ मिला करके लगाना है, तो हम कोई भी मौका जहाँ पौधा लगाना हो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी के तहत आज जब महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आए तो दिव्या और हम मिलके कुछ पौधे लगा रहे हैं और हमारी कोशिश ये कुछ हम लगाएं कुछ आप लगाओ, पर्यावरण बचाओ। सबको बोलता हूँ, अगर आप हमें प्यार करते हो, किसी भी कारण से मुझे कुछ रिस्पेक्ट है, तो मेरे लिए, अपने लिए, हमारे देश के लिए, बच्चों के लिए आप पौधे जरूर लगाएं। वहीं बॉलीवुड स्टार दिव्या खोसला कुमार ने भी नए बैच का स्वागत किया और पर्यावरण की बेहतरी के लिए महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की पहल की सराहना की। दिव्या खोसला कुमार ने खुद भी वृक्षारोपण किया और सभी स्टूडेंट्स को भी इसके लिए प्रेरित किया। युवाओं का हुजूम बॉलीवुड स्टार के साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखा। So I think that's amazing because I it will be a very nostalgic thing for you because when you're going to come back after years, maybe your plant is going to grow up into a big tree and you can look back and bloom with pride that this is the plant I planted and this is my college and this is where I started. दिल्ली दर्पण टीवी से बातचीत में संस्थान के चेयरमैन नंद किशोर गर्ग ने नए सत्र और पर्यावरण को लेकर अग्रसेन की अनूठी पहल के बारे में बताया। पहला इंस्टीट्यूट है जो पहले दिन ही प्रारंभ कर देता है और आज 7 दिन बाद हमने वृक्षों को, पर्यावरण को और सब चीज़ों को जोड़कर एक लक्ष्य रखा है कि 2 से 2500 तक के पेड़ 5 सितंबर तक हम पूरे करेंगे। और 1900 के आसपास जो नया एडमिशन है, हमारी कोशिश है कि हर स्टूडेंट एक अपने नाम से लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा हफ्ते में एक दिन, बाकी हम अपने बालियर वो लगाएंगे ही। और अगले साल फिर इनमें से कंपटीशन कराएंगे कि जो छांटेंगे भी इन्हीं की टीम की, जो सर्वाइवल जिनका सबसे अच्छा हुआ, ग्रोथ अच्छी हुई, जिसने ध्यान ज़्यादा दिया उसको हम अच्छे पारितोषिक देंगे, शिक्षा के काम में आने वाले उनको कोई भी शिक्षण सामग्री देंगे। 1100 रुपये की 100 लोगों को 1100, टॉपर को 11000 रुपये का, इसी ढंग से सेकंड थर्ड तक मिलेगी। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट का नाम उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्थानों में शुमार है। शिक्षा के अलावा यहाँ स्टूडेंट्स को सामाजिक कार्यों और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक बनने की सीख दी जाती है। कॉलेज से जुड़े वरिष्ठ ट्रस्टीज भी इस बात पर जोर देते हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लोग आजकल फ्रेशर पार्टी करते हैं, ये करते हैं, और हमने प्लांटेशन से शुरू किया है और जो हमारे लगभग 1700 नए स्टूडेंट आए हैं, वो हर स्टूडेंट अपने हाथ से अपना पौधा लगाएगा, उसकी उस पर नेम प्लेट लगेगी, साल भर वो उसकी केयर करेगा, उसके बाद हम उनको प्राइजेस भी देंगे जिसका पौधा अच्छा चलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस उच्च शिक्षण संस्थान की 2000 से ज्यादा वृक्ष लगाने की पहल वाकई प्रशंसनीय है। आवश्यकता है कि अन्य शिक्षण संस्थान भी अपने छात्रों को पर्यावरण के प्रति सजग करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए नवीन कुमार के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com।
दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर